बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आई एम हियर डॉक्टर नाइला खालिद फॉर टीचिंग यू हाइड्रोजन बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज बेसिकली नॉट अ केमिकल बॉन्ड, इट इज अ फिजिकल और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। एंड दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन डिवेलप्स ओनली इन दोज मॉलिक्यूल्स इन विच देयर इज डायरेक्ट हाइड्रोजन एंड electronegative direct chemical bond between hydrogen and highly electronegative atom like maybe nitrogen, oxygen, chlorine, etc. So you know that hydrogen has no inner shell and it is very small size. You can see over here it is very small size with respect to the fluorine, and the positive charge density developed is very high. So if you say that this is HF bond in hydrofluoric acid, then you can say that एक hydrofluoric acid का molecule which is in the form of polar covalent bond, and here it is also a polar covalent bond, and electronegative atom fluorine has more capacity to attract shared pair of electron towards itself, जिसकी वजह से इस पे partial negative charge होता है और हाइड्रोजन पे नेबरिंग मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। यही वजह है कि इनके दरमियान या इस ये जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन डेवलप होता है, जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देते हैं। बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एटम which is bonded to small strongly electronegative atom of one molecule to the electronegative atom of another molecule. Hydrogen atom isme essential requirements do kisam ki hai, the one which is that ke hydrogen jo hai electronegative atom ke sath directly attached hona chahiye via covalent bond, yani jaise HF hai, jaise H2O mein oxygen hydrogen bond hai. और इसके अलावा दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि इसके ऊपर अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए, जैसे कि फ्लोरीन में होता है, ऑक्सीजन में होता है, नाइट्रोजन में होता है। हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि किस तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होती है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेथनोल CH3OH। इस OH में ऑक्सीजन हाइड्रोजन डायरेक्ट बॉन्ड है, जिसकी वजह से ये इसमें पोलैरिटी है। ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस इज पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन इज हैज पार्शियल पॉजिटिव, एंड वन पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल मेथनॉल विल डेवलप एन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द ऑक्सीजन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल मेथनॉल। सो दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। It is not a chemical bond, it is an electrostatic attraction. Here in case of ammonia, you can see this can be from every side, so this can be developed like this in water. This is another example, water, in which the hydrogen bonding is very extensive because there are two OH bond and each is forming this type of hydrogen bonding. So remember, in nitrogen one electron pair is responsible, whereas oxygen there are two electron pair is responsible. So in HF you can see hydrogen bonding can be developed like this. Hydrogen bonding do kisam ki ho sakti hai, ek intermolecular force aur ek intramolecular force. Intermolecular force means hydrogen bond which develop between the two molecules, then this is called hydrogen intermolecular hydrogen bond. ये आपको अक्सर देखने में मिलेगा, it is oftenly observed. Whereas intramolecular hydrogen bond कुछ molecules में develop हो जाती है, उनमें जितने structure feature ऐसा होता है कि एक ही molecule के अंदर जो है electronegative atom भी attach है और उसी में hydrogen भी attach है, और उसके साथ कुछ ऐसा structural feature है जो उसके साथ इस किस्म का बॉन्ड जो है वो डेवलप कर सकता है। हमेशा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो हमेशा बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, वंडरवॉल फोर्सेस, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, हर किस्म के
अट्रैक्शन से ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। ये जो आपको नजर आ रहा है डॉटेड स्ट्रक्चर डॉटेड लाइन, दिस शोज एन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड डिवेलप हुआ है विद इन अ मॉलिक्यूल। तो इसे ये एग्जांपल है नाइट्रोफिनोल की, टू नाइट्रोफिनोल, इसमें ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एक अच्छी एग्जांपल है। अब हम ये देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से किस किस्म का इफेक्ट जो है वो हो सकता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करता है और बॉइलिंग पॉइंट को भी एनहेंस करता है। आप देखेंगे कि जिन मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिवेलप होती है उनमें बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, जैसा कि अमोनिया एज कम्पेयर टू फॉस्फीन PH3 के मुकाबले में, HF एज कम्पेयर टू HCl, वाटर एज कम्पेयर टू H2S। इन सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग चूंकि डिवेलप होती है तो इनके बॉइलिंग पॉइंट भी करस्पॉन्डिंग उसी तरह के कंपाउंड से जो है वो काफी ज्यादा हाई होते हैं। सेम इसी तरह आप ये देख सकते हैं कि अगर आप ऑर्डर देना चाहें कि कौन से मॉलिक्यूल जिनमें तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिवेलप होती है लेकिन इन सब में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई है, उसके बाद हाइड्रोफ्लोरिक एसिड और उसके बाद अमोनिया, और बिल्कुल सेम यही ऑर्डर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में एक्सटेंसिव होती है, HF में उससे कम होती है, जबकि अमोनिया में सबसे कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो यही ऑर्डर उनके बॉइलिंग पॉइंट का भी है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग चूंकि इम्पोर्टेंट फिजिकल फिनोमिना है, ये ना सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट के साथ कोरिलेट करता है बल्कि हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन को भी अफेक्ट करता है। अगर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिवेलप होती है तो उसकी एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन भी हाई होती है। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन इट इज डिफाइंड एज एनर्जी रिक्वायर्ड टू वेपोराइज वन मोल ऑफ लिक्विड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वन मोल ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर स्टेट। तो इस ग्राफ में आपको ये जाहिर किया जा रहा है वाटर की सबसे ज्यादा एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन है एज कम्पेयर टू H2S, H2SE and H2TE. This is due to the extensive hydrogen bonding in water molecule. क्योंकि उनके अंदर ये जो strong hydrogen bonding develop होती है, उनको break करने के लिए you need a lot of energy to vaporize this water molecule. So high heat of and high enthalpy of vaporization is required for those molecules that in which there is extensive hydrogen bonding. Similarly, the boiling point of and solubility of alcohol is also affected by hydrogen bonding. For example, in this graph, you can say that there are different types of alcohol, methanol, ethanol, and propanol, and then butanol. आप इन सब में देख सकते हैं कि किस तरह boiling point जो है, हालांकि molecular weight increase कर रहा है, तो boiling point भी increase कर रहा है। बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन आप थायोल में देखें जिनमें ऑक्सीजन की बजाय सल्फर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी लेस है, तो जिसकी वजह से करस्पॉन्डिंग थायोल के बॉइलिंग पॉइंट जो है अल्कोहल के मुकाबले में बहुत कम है। अल्कोहल के ये हाई बॉइलिंग पॉइंट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है जिसमें मॉलिक्यूल जो है वो हमेशा डायमर की फॉर्म में इसलिए एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिवेलप हो जाती है। ये एग्जांपल एसिटिक एसिड की है, दो मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के जब एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े होते हैं तो डायमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ये फ्री एग्जिस्ट नहीं करता और इसमें इस तरह हाइड्रोजन बॉन्ड डिवेलप होता है। बिल्कुल इसी तरह आप आइस में भी देख लें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो बहुत ज्यादा डिवेलप हो जाती है जिसकी वजह से उसको प्रॉपर शेप मिल जाती है। नेक्स्ट एग्जांपल है बायो मॉलिक्यूल्स की। बायो मॉलिक्यूल्स में ये अमाइनो एसिड जब मिलते हैं उनसे बनते हैं प्रोटीन, पॉलीएमाइड या प्रोटीन्स। इन प्रोटीन्स में ये खास बात होती है कि ये इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिवेलप होती है। ये एक डाइपोल है और ये एक ऐसा पोलर बॉन्ड है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस होते हैं।
अब आप देख सकते हैं कि डीएनए और आरएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है उसमें भी एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इट्स कॉन्सेप्ट एंड अफेक्ट ऑन द वेरियस मॉलिक्यूल्स. So this is the end of the lecture. So we have discussed today about the hydrogen bond and as a electrostatic attraction and how it affects various properties of the molecules which has hydrogen bonding.